हे गाइस नमस्ते। तो हम लोग जा रहे थे अभी घूमने के लिए जा रहे थे और हम लोग का जो गाड़ी है वो पंचर हो गया, आगे देख सकते हैं वो है। और अभी हम लोग बीच रास्ते में पैदल चल रहे हैं। अरे हाँ अभी हम लोग बहुत ज़्यादा दूर पैदल आ गए हैं, मतलब ज़्यादा दूर तो नहीं पर थोड़ा दूर पैदल आ गए हैं। और इधर का खेत के बीच बीच में कुआं है, इधर भी कुआं है, इधर उधर कहीं से हाँ उधर भी कुआं है। इधर का जो गांव है वो खेत के बीच में कुआं है, क्योंकि क्योंकि क्यों हो सकता है खेत के बीच में कुआं? क्या बोलते, कभी कभी सूखा भी पड़ जा रहा है ना, और जमीन में जो जल स्तर है वो कम होता जा रहा है, इसलिए जल स्तर को मेंटेन करने के लिए सरकार तालाब सब खुदवा रही है, कुआं सब खुदवा रही है, इसलिए तो ये तो अब हम लोग को मिल गया है साइकिल में गाड़ी मिस्त्री का दुकान। तो हम लोग गाड़ी उधर बन रहे हैं आगे में वहाँ पर, और हम लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, जब तक बनेगा नहीं इंतज़ार करेंगे। तीनों रास्ता किनारे बैठ के फोन चला रहे हैं, कर भी क्या सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। लड़का लोग ही देखते हैं कि वो लोग रास्ता में बैठे हुए हैं, आज हम लोग को बैठने को मिला, अच्छा लगा। तो हम लोग आए हैवे नील में, सोच नहीं थे मजा आ रहेगा, सोच नहीं थे आने के लिए मिलेगा। मस्त दिख रहा है, पूरा पूरा हरियाली। थक गए, इतना ऊपर से चढ़ रहे थे, वो पीछे लग रहा था नहीं थकेंगे, लेकिन कुछ दूर जाते ही पूरा थक गए, पूरा थक गए यार। अरे और हमारी नूतन वो दौड़ दौड़ कर आ रही है, और इधर का नजारा कैसा अनुभव हो रहा है? दिखने में छोटा दिखाई दे रहा था, लेकिन आते आते इतना विशाल होने लगा कि ना चढ़ने जाने से ऐसे लग रहा हम सीधा चढ़ रहे हैं। इस जगह की वो तो वो डिजाइन आप लोग इधर आते हैं और कचरा करते हैं, सबको ही नहीं बोल रहा, लेकिन जो लोग घूमने आते हैं मतलब प्लीज कचरा ना फेंके, इतना अच्छा जंगल है, कचरा फेंकने के चलते ही अभी बंद हो गया है। अगर आप लोग साफ सुथरा रखिएगा तो हमेशा खुला रहेगा ना। हाँ गाँव वाले लोग थोड़ी मना कर रहे थे, पर अभी ऊपर भी इधर उधर पूरा फेंका हुआ है कचरा, और इधर भी, और इधर बोतल तो इतना फेंका नहीं था मैंने, कचरा ही कचरा। अभी वहाँ जाना है जो सबसे ऊपर दिख रहा है, हम लोग यहाँ बैठे हैं। काफी करामत दिखाई दिया होगा यहाँ के आने वालों का, यहाँ के क्या क्या कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा सुरक्षित रखा हुआ जगह है, आप समझो हम झारखंड में घूम रहे हैं क्या।
स्थल लिखा हुआ है शायद होगा जो ये होता होगा। तो और अभी हम लोग जाएंगे इस जंगल में जो बहुत घना दिख रहा है। और ये भाई कचरा देखो यहाँ का कचरा। ये जो गड्ढा है उसको आप लोग डस्टबिन मत समझो। डस्टबिन हाँ ये डस्टबिन नहीं है। अरे तो हम लोग चढ़ रहे हैं हेवन हिल के ऊपर तो मतलब हाँ हमारे इधर इसको बोलते हैं कुटम पहाड़। और क्या बोले थक गए हैं कि हालत में नहीं है कि बोले कुछ। अरे बहुत ही खतरनाक जंगल है चढ़ना है। अरे बहुत दूर है बहुत दूर। चलते हैं ऊपर अब से भी ऊपर जाके दृश्य दिखाएंगे क्योंकि बहुत थक गए यार। थक के हालत चूर चूर कभी क्या हाल है बहुत खराब हाल हो रहा है। जोर जोर से धड़क लगे सब धक 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 ऐसे होता है। जब भी आना मच्छर भी बहुत इधर मच्छर भी है। खा पी के आने का भी कोई फायदा नहीं है इससे। वो खा पी के आएगा ना चढ़ने नहीं पाएगा और जो खाली पेट आएगा वो बेहोश हो जाएगा। गुड़क के कहाँ जाएगा तुम्हें तो पता नहीं चलेगा रास्ता वैसा है। घना जंगल बाइक क्या मेरा ए नहीं चल भाग हम एक बार में खींच जाएं। चलो खींच दे हेवन हिल की ऊंचाइयों में पहुंच कर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा जन्नत में पहुंच गया जन्नत। हेवन हिल जैसा ही है पूरा हेवन टाइप में पहुंच गया वैसे वैसे पूरा कुहासा सा करते हो रही है। जिसको हाइट फोबिया है ना ना हाइट थोड़ा ना हम लोग का ना पैर से वैसे ऐसे हिल रहा है डर के मारे लेकिन डरते नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ डर लग रहा है। अब नीचे जाने हम लोग को आगे चलो। तुम गर्म हो गई है चट्टान तो तुम्हारा बाबा को पूरा घुमास लग रहा है। और इधर कचरा इधर भी देखो ना कचरा पूरा भर रही है और अतिका वो पत्थर के अंदर भी घुसा है। हाँ ऐसा मत घुसिए यहाँ आके सबसे बेस्ट झारखंड का प्लेस बन गया तो अब कितना खुशी होगा कि पहले आ चुके हैं। पर ऐसा कचरा अगर रहा इधर इतना मस्त जगह कचरा तो फैल ही कर दिया देखो। हाँ बोल रही तेरा जाबे नहीं की अरे जाएगी इधर का कचरा इधर का कचरा। तो अब लोग दूसरा साइड जा रहे हैं इसका एक साइड घूम ली। हम लोग के बाबा लोग बाबा हम लोग को बहुत घुमा रहे ना पूरा बहुत अच्छा लगा। पहले भी यहाँ आ चुके हैं बहुत पहले जब बता रहे थे जब वो हम लोग की उम्र के थे तब वो यहाँ आए थे।
और इधर कचरा, पूरा कचरा भरा हुआ है, क्या बोलेंगे अब। जो लोग घूमने आए थे जल्दी आओ कचरा फेंक करके जाओ। हाँ, जो लोग घूमने आए थे यहाँ और पूरा साफ करके जाओ, इसीलिए भगाया है इन लोगों को। ये देखो तो, बाप रे बाप, इतना अच्छा से मैं क्यों देखता है ये पूरा, मतलब तुम लोग पका के यहाँ आके खाओ ना, क्या फास्ट फूड बस कुरकुरे वगैरह पका लो, मैगी पका के खाए हैं वो भी फेंका है ही जगह, और मैगी पापड़ी वाला लगाया था। हाँ और इधर का दृश्य पूरा, मतलब क्या सीन आ रहा है, सोने पास लग रहा है, हमने कौन सा रूम बना लिया, वीडियो जरूर देखना और वीडियो शेयर जरूर करना, और ऐसे वीडियो की तलाश है तो सब्सक्राइब वैसे भी कर ही दोगे। Mm-hmm.